चोलिस्तान तुर्की जबान दे लफ्ज चोल चो निकले, इन्हा मतलब रेत है। असा ही को रोही आ गए इहा रोही यार मिलावड़ी है, शाला रावे हरदम सावड़ी है, वन पीसू लसड़ी गावड़ी है, घिन अपने सोहने सैकनू। पुराने वक्त च इथा हकड़ा वांदा, हर पासे हरियाली ते सावल होंदी है, वल हकड़ा सुक गया, रोही दा मुकद्दर रेत बन गई। इतां गर्मी दे विच डाढ़ी गर्मी पौंदी है, सर्दियां दे विच डाढ़ी सर्दी पौंदी है, सर्दी दे गर्मी दे बचण किते असा अपने मिट्टी दे घर बने ने। ओ मिट्टी दे घर जिहड़े गर्मियां दे विच ठड्ढे थींदे ने ते सर्दियां दे विच ओ गर्म थींदे ने, जे को असा गोपा आखदे आ। असा इत्थे जानवर पले ने हैं ते असाडी खुराक लस्सी मक्खण घ्यू ते खीर है, ते फल फरूट साडे संगरियां खुंभियां पीपू संगर फगूसी ते पीलू डेल है, ये साडे फल फरूट है। असा वड वडेरे कनू इत्था रहंदे पे हैं ते रात दे वक्त इत्था जहरीले नांग निकलदे न जेड़े साडे नाल नाल साडे जनावरां को डंगेंदे न, ते इत्था कोई हस्पताल कह नहीं। कोई बीमार थी वे ता असा इत्था ही इलाज करण दी कोशिश करेंदे हैं, ज्यादा बीमार होवे ता वल शहर वजना पौंदे, शहर इत्थों मीलां दा पांदे। इत्था पानी दा बहु मसला है, बारिश पौंदी है ते साडे टोभियां दे विच पानी पौंदे, असां ते साडे जनावर पानी कट्ठे पींदे है, पानी च डिडा बहु होजन, पर क्या करूं मजबूरी है। जे तक इन टोभे दे विच पानी है ता साडा घर है, जे वेले इन टोभे तो पानी खत्म थींदे असां दूजे टोभे दी तलाश च ए जगह को छोड़ देने हैं, लेकिन रोही नहीं छोड़ेंगे। रसम तो है वज्जा कने हां आंधी के वाला साई रोही नहीं छोड़ेंगे से। साडा ते रोही दा दर्द सांझा है, जिवें रोही तरसी उए असा रोहेले तरसे, असा हेक बैदी रूह है। ई सर्दी धरती ते वाला झड़ वससेन, दरिया वहसेन, रौनका वलसेन, इहा आस असा को हेक बे तू जुदा नहीं थी वाने दी। असा रोही नाली खुश है ते रोही साड़ी सकाफत है, रोही साड़ी वरासत है, वरासत को वारिस नहीं छोड़ेंगे, वरासत को वारिस नहीं छोड़ेंगे, वरासत को वारिस नहीं छोड़ेंगे। जिमें जो हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद फरमा गिन, खुश थी फरीदा शाद वल, मूंझा को ना कर याद वल, झोंका थी सिन आबाद वल, ए नै न वहसी हिकमणी।